देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब एक आखिरी 7वां चरण बाकी है जो आगामी 1 जून को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों का भविष्य जो ईवीएम के कैद में है कि उनकी गिनती 4 जून 2024 को होगी, यानी कौन होगा भारत का अगला भाग्य विधाता, यह हमें 4 जून को पता लग जाएगा। भाजपा खेमे में आगामी आखिरी चरण को लेकर क्या कुछ हो रहा है और पिछले 6 चरणों में क्या माहौल रहा, यह जानने के लिए हमने बातचीत की 2 बार के सांसद और इस बार अजमेर लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरे भागीरथ चौधरी से। भागीरथ चौधरी ने कहा, पिछले 6 चरणों में भाजपा ने पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जनता का समर्थन और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हम हर जगह मजबूती से उभरे हैं। हमारी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता ने सराहा है। और क्या कुछ उन्होंने जनता दरबार से खास बातचीत में कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ इस समय 2 बार के सांसद रह चुके भागीरथ चौधरी जी मौजूद हैं। किसान मोर्चा के भी इनके पास बड़ी जिम्मेदारी रही है। भागीरथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण अब बचा है, 6 चरण पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, 6 चरण पूरे हो गए हैं, 1 जून को 7वां चरण आखिरी चरण होने वाला है और 4 जून को काउंटिंग है। मैं कह रहा हूँ, आज पूरे देश भर में मोदी जी के जो 10 साल में जो कार्य किए हैं, जो गरीब को गणेश मानकर उन्होंने काम किए हैं, उनकी आम जनता, गरीब मजदूर किसान, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, सभी समाज, आज जो मोदी जी ने जो 10 साल में जो काम किया है, उससे हमारा देश आज 25 करोड़ से ज्यादा की जनता गरीबी रेखा से बाहर निकली है। इतने नहीं है, पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। आज हर क्षेत्र में, चाहे धारा 370-375 से हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो 500 वर्षों से जब अटका हुआ काम था, आज एक वायुमंडल बनकर आज 22 जनवरी को वहां उसकी प्राण प्रतिष्ठा होकर हम सबके लिए गर्व की बात है। तो ऐसा ही नहीं है, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जनधन खाते 0 बैलेंस में खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, अनेक ऐसे जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आज पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है और हमारा देश तेजी से आज आगे बढ़ा है। और दूसरी तरफ जो 2018 से लेकर 2023 तक जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही राजस्थान में, उन्होंने इस देश का भट्टा, प्रदेश का पूरा भट्टा बिठा दिया और प्रदेश को जो ये प्रदेश अग्नि जो विकास की दृष्टि से प्रथम, बीच में आपको टोक रहा हूँ, आपने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बात करें, अभी कल का ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान है, जो कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में जो लोग शामिल हुए हैं उनको उन्होंने नाकारा, निकम्मा, जाने क्या क्या कह दिया। दूसरा, उससे पहले भी अगर आपको ध्यान होगा, वो एपिसोड जब होटलों से सरकार चल रही थी, उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सचिन पायलट के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किए थे, जिसका आज विरोध हो रहा है। जितने भी लोग भाजपा में आए हैं उन्होंने सबने एक शब्द में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध करा, और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि कुछ दिन पहले उन्हीं के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा भी उनकी पूरी कार्यप्रणाली और उनकी सारी योजनाएं सामने ला चुके। देखिए, मुझे लग रहा है कि गहलोत जी की मानसिकता थोड़ी सी संतुलन बिगड़ गया है। वो पता नहीं, एक रटे रटा शब्द है, नकारा है, मकार है, गद्दार है, इस तरह की भाषा, ये शोभा नहीं देता। आखिर गहलोत जी 3 दफे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको गरिमा रखनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, आखिर उनको इस पर चिंतन करना चाहिए कि कांग्रेस को छोड़ के आखिर क्यों जा रहे हैं वो। आखिर उनको पता है, जब मैं कहूं यहां तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, आज SC ST और OBC आरक्षण को उससे कटौती करके, और आज एक तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर इस तरह का फैसला लिया जा रहा है, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। तो आखिर जो कांग्रेस जो वर्षों तक उन्होंने चीचा है, आखिर उनका मन विचलित हो रहा है कि आखिर ये सनातन देश है, वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर ये देश चला है। आखिर वो भी तो इंसान है, कांग्रेस में होने के बावजूद वो भी तो सनातन धर्म के आखिर उनको है, आखिर कहीं ना कहीं उनके मन को कचोटा है और तभी तो वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। परंतु गहलोत जी को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले भी आपको पता है, जब 2018 में जब यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट जी, वो मुख्यमंत्री थे,
उनके लिए भी ऐसे शब्दों का उन्होंने ऐसा कतई शब्दों की गिरावट चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे हमारी तरफ से चाहे उनकी तरफ से, कभी शब्दों की गिरावट कभी नहीं आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री इतना वरिष्ठ, आखिर तीन दफे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, और इस तरह की भाषा उनको शोभा नहीं देती है। इस पूरे चुनाव में जो एक नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि अब की बार 400 पार, उसे लेकर विपक्षी खेमे में काफी खलबली सी दिखाई दी, काफी चिंतित वो दिखाई दिए और वो उस 400 पार के टारगेट को लेकर वो इस मैदान में कूद पड़े, जबकि वो भूल गए कि बहुमत के लिए तो 272 भी काफी है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने 2014 में उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूं मैं, और जो उन्होंने काम किए हैं उससे हमारा देश का विकास तो हुआ ही है, परंतु दुनिया में हमारे देश की साख बढ़ी है। पहले कहते थे हिंदुस्तान ये सफेदों का देश है, ये गरीबों का देश है, करोड़ों आदमी यहाँ भूखे सोते हैं और लाखों आदमी भूखे मर जाते हैं, इस तरह का। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि अलग हट गई हुई है। आपको पता है जब वैश्विक महामारी आई, कोरोना काल आया, सबसे पहले चेचक आया करती थी, पोलियो, तो दशक लग जाते थे, यहाँ टीके नहीं और बाहर से मंगाए जाते थे, परंतु पहले दफे इस दुनिया में सबसे बढ़िया वैक्सीन यहाँ बनी और 140 करोड़ जनता को बचाने का उन्होंने काम किया। और उन्होंने जो काम किया है कभी भेद नहीं किया, उन्होंने शौचालय बनाया, कोई जाति नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, गैस सिलेंडर दिया उसने जाति पार्टी धर्म नहीं देखी, उन्होंने जनधन खाते खोले कोई पार्टी धर्म जाति नहीं देखी, किसान सम्मान निधि देने का काम किया जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। और मैं कह रहा हूं पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है, आज मोदी जी चाहे जनधन खाते की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे पेंशन देने की बात हो, 1 रुपया भेजते हैं सीधा 1 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। तो मोदी जी जिन्होंने मैं कह रहा हूं जिसने गरीबी नहीं देखी उसको क्या पता गरीबी क्या चीज होती है, जो गांव की का दर्द नहीं देखा उसको पता नहीं है कि गांव और किसान की क्या दर्द है, परंतु मोदी जी इस सब बातों को देखते। और अब कांग्रेस के पास कुछ राय नहीं है, विपक्ष के पास ही नहीं, मैं क्यों ये जो गठबंधन है आपको पता है दिल्ली में तो समझौता करके लड़ रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे लड़ रहे हैं, तो इन बेमेल है, ये बेमेल जोड़ा है, ये इनका विचार मिलते नहीं है कहीं, और ये मजबूरी में इनको पता है कि मोदी जी की लोकप्रियता आज देश में नहीं पूरी दुनिया में है, तो इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।